नमस्कार, मैं जिगीशा और एटीएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बनासकांठा के ठाकुर समुदाय की लड़कियों के मोबाइल रखने पर रोक, पकड़े जाने पर पिता पर होगा 1.5 लाख का जुर्माना। गुजरात हॉरर किलिंग, मृतक दलित पत्नी का बयान, पति ने छिपाई थी जाति। गुजरात सरकार दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए 11 प्रयोगशालाएं शुरू करेगी। जल्द ही बीजेपी शामिल करेंगे अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह को। गुजरात में 5 लोगों पर हमला करने वाला तेंदुआ अब जुमे काटेगा अपना पूरा जीवन। गुजरात के मेहसाणा में शराब बेचने और जुआ घर चलाने की मंजूरी नहीं मिली तो 4 बच्चों के पिता ने दी आत्महत्या की धमकी। गिर क्षेत्रों के शेरों के संरक्षण के लिए 350 करोड़ रुपए का पैकेज। ड्राई स्टेट गुजरात में 2 साल में 1.5 करोड़ बोतल अवैध शराब हुई सीज। पुराने वाडज में धारदार हथियार से 4 लोगों ने युवक की हत्या। बटवा की एक फैक्ट्री में करंट लगने से 1 युवक की मौत, 1 की हालत गंभीर। 181 अभयम हेल्पलाइन के तहत 5,80,000 महिलाओं को सेवाएं मिली। गुजरात बोर्ड परीक्षा में सबसे बड़ी सामूहिक डकैती, 959 छात्रों ने एक समान उत्तर लिखे। विश्वामित्र तालाब के प्रोजेक्ट के बारे में सरकार ने निष्पक्ष फैसला किया। वडोदरा के हानि मार्ग पर अंबे विद्यालय में दूसरे दिन भी शिक्षकों की हड़ताल। वडोदरा सयाजी अस्पताल में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। गुरु पूर्णिमा का मात्र छात्र को प्रगति हुई, शिक्षकों की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। 5 साल के चेक रिटर्न केस में आरोपी को 1 साल का कारावास। राजकोट से दिल्ली की नई फ्लाइट शुरू होगी, मुंबई जाने के लिए अपर्याप्त सेवाएं। सौराष्ट्र में पानी के लिए परेशानी, 111 गांव में शुरू की गई पानी की टैंकरें। गांधीनगर जिले में 4,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित।